मैं गाड़ी लेके आता हूँ। आखिर कौन था वो इंसान जिसे अंकुश रहेजा अपनी गाड़ी में डालकर ले गया? कौन था? मांगटीका पंचनेर के राजा संग्राम सिंह ने तुम्हारी माँ को तोहफे में दिया था। तुम्हें पता है वो निशान पंचनेर के राजा और उसके राजवंश का प्रतीक है। वो निशान जिस भी इंसान के शरीर में होता है वो नागमणि से जुड़े होते हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? नहीं, ऋतिक निर्दोष है। वो अंकुश रहेजा के गलत कामों में कभी उसके साथ नहीं, पर दिल की तसल्ली के लिए ऋतिक से बात करनी होगी। ऐसे क्या देख रही हो? देखो देखो, बीवी हो मेरी, तुम्हें मुझे देखने का पूरा हक है। वैसे चाहो तो तुम कुछ और भी कर सकती हो। क्यों, आज डेढ़ हड्डी पे बहुत प्यार आ रहा है? कब से देखे जा रही हो? इरादा क्या है? ऋतिक, एक बात पूछूं? पूछो। प्यार के लिए नो ऑब्जेक्शन, एनी टाइम। ऋतिक, ये जो निशान है तुम्हारी गर्दन पे, क्या कहते हैं इसे, टैटू, अब ये तुमने कब बनवाए? तुम टैटू टाइप लगते तो नहीं हो। तो कैसा टाइप लगता हूँ? बोरिंग, इरिटेटिंग, रूखा सूखा, डेढ़ हड्डी। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे क्या पता ये कब बनवाया, बचपन से ही है, शायद मॉम डैड ने बनवाया होगा। अच्छा, जानते हो हर टैटू का कोई मतलब होता है। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो सकता है, बस एक निशान है और क्या। वैसे तुम इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। वो मणि, नागमणि जो तुम्हें बार बार सपने में दिखती है, वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखती है? शायद तुमने वो नागमणि कभी देखी होगी इसीलिए। हाँ देखिए, तुम्हें देखा है, लाखों करोड़ों में चमकती हुई मेरी नागमणि तुम। सुना है नागमणि बहुत कीमती होती है, जिसके पास हो उसे धन दौलत समृद्धि ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। पर मुझे उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी धन दौलत तो तुम। तुम्हारे ऊपर ऐसी हजारों नागमणियां कुर्बान, कोई देवी देना तो भी ना, नागमणि। ऋतिक नहीं शामिल है उन कातिलों में, ऋतिक मासूम है। इसे तो कुछ पता भी नहीं है नागमणि के बारे में। ऋतिक संग्राम सिंह का बेटा युवराज है, वो पंचनेर का राजा है और पंचनेर उसका राज है। अगर अगर वो संग्राम सिंह वो मणि लाने से इनकार करता है तो ये काम हमारे लिए करेगा सिर्फ और सिर्फ ऋतिक। जन्म घड़ी से वो आत्मा, वो निशान, वो शक्ति है उसके पास। एक वो ही है, एक वो ही है जो नागमणि हमारे लेकर आएगा। पर वो तो कुछ नहीं जानता है ना, वो क्यों और कैसे लाया था नागमणि हमारे लिए? मैं ऋतिक से ये काम करवाऊंगी। मुझसे क्या करवाना है माँ? क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? कहीं आप उस चोर के बारे में तो नहीं सोच रही जो घर में घुसाया था? पर
उसे सबने इतना पीटा, वो दोबारा घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। प्रतीक, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो माँ। बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पूर्वज, हमारे बड़े पंचनेर पर राज करते आ रहे थे। राजा रजवाड़ों का खानदान है हमारा, पंचनेर हमारा घराना है। उस घराने की एक बहुत ही पेशकीमती बनी वहां है, नागमणि। वो नागमणि हमारी धरोहर है। अगर वो बनी इस घर में आएगी तो इस घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं होगा हमें। उस नागिन से हमें छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। सालों पहले वो नागमणि चोरी हो गई थी, अब जाके पता चला है वो मणि है कहाँ। तो चलो माँ ले आते हैं। नहीं बेटा नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर वो मणि कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ इस घर का वारस जो कि तुम हो। बस एक बात से डरती हूँ, अगर वो मणि नागिन के हाथ लग गई तो उसके अंदर वो सारी शक्ति आ जाएंगी जिससे वो हमें बर्बाद कर देगी, मार देगी हमें, मार डालेगी हमें। आप डरिए मत, वो मणि मैं लेकर आऊंगा। अगर उस मणि के आने से इस घर परिवार की रक्षा होती है, वो नाग मणि मैं लेकर आऊंगा। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। माँ, वो नागिन उस मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उससे पहले उस मणि तक मैं पहुंचूंगा। नहीं ले जाने दूंगा मणि मैं नागिन को। उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि वो मणि मैं ले आऊंगा। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कुछ नहीं जानते नागमणि के बारे में। तुम सब कुछ जानते हो, तुम हर कदम पे इन लोगों के साथ हो, हर काम में इनके साथ हो। नहीं लगाना मुझे। मैंने कहा था ना, प्रतीक वो नागमणि लेकर आएगा, लेकर आएगा वो। एक वही अच्छा लगता था, सच्चा लगता था, वो भी दुश्मन निकला। ऋतिक नागमणि लेना चाहता है, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया ऋतिक? पर ये भी तो हो सकता है कि ऋतिक नागमणि के सौदे में शामिल ना हो, निर्दोष हो। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता कि ऋतिक ऐसा कर सकता है। कौन हो तुम ऋतिक, दोस्त हो या दुश्मन? धोखा दे रहे हो या फिर तुम्हारे साथ भी कोई धोखा हुआ है? शिवन्या, तुम सही बोल रही थी। उस निशान का कुछ मतलब है। वो मणि मैं ला सकता हूँ जिसके पीछे वो नागिन पड़ी है। मैंने मॉम डैड से वादा किया कि वो मणि मैं ला के उन्हें दूंगा। ऋतिक, वो शिवजी की मणि है, शिवजी की धरोहर है। हाँ, पर वो हमारी खानदानी मणि है, हमारी है। शिवन्या, वो नागिन सोचती है कि मैं नागमणि तक पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं उस मणि को हासिल करके रहूंगा। फिर मेरी जान भी जाती है तो चली जाए। मेरी भी जान पे क्यों ना बने, तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए। मैं वो मणि तुम्हें लाने नहीं दूंगी ऋतिक। भैया, 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 भैया।
क्यों है माली? क्यों? मेरे भाई की क्या से क्या बना दिया तूने? इसे कंगाल तो बना ही दिया, अब कंगाल भी। सॉरी 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 भैया, भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो भैया। भैया भैया वो दिन भी क्या दिन थे ना, आपका वो राज दरबार, आपका वो प्यार, आप प्यार लुटाते रहे और मैं आपको लूटती रही। सॉरी भैया, I'm really sorry. भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे वो मुझे। आप मुझे माफ करेंगे ना? अपनी सौतेली बहन को आप माफ कर देंगे ना भैया? मैंने आपको राजा से रंक बना दिया, पाप, घोर पाप किया है मैंने। लेकिन नहीं, और नहीं, और नहीं भैया, और नहीं, मैं आपको यहां से ले जाऊंगी। चलो भैया, चलो मेरे साथ, चलो। आज एक बहन अपने भाई को अपने साथ ले जाएगी, चलो। भैया भैया, पहली बार वो रात आप मेहमान बनकर मेरे घर में आए, लेकिन मैं आप पर मेहरबान ना हो सकी। सत्कार की जगह मैंने आपको धक्कार दिया भैया, मार दिया मैंने आपको, धक्के मार दिया मैंने, निकाल दिया मैंने आपको। आप तो पहले से टूटे फूटे थे और तोड़ दिया मैंने, और फोड़ दिया मैंने भैया आपको। I'm sorry भैया, I'm really sorry भैया, I'm really sorry। उठी 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 उठी, ये क्या कर रही हैं आप? एक बहन अपने भाई से बात कर रही है, बीच में मत बोल बिचौलिया, चुप। सॉरी, एक बोली अली मासूम बहन को कितना जालिम बना दिया तूने मालिक, कितना जालिम बना दिया। मेरा भाई, मेरे राजा भैया, भैया विश्वास नहीं हो रहा है? क्यों क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? सच कह रही हूं मैं, सच कह रही हूं मैं, सच में मैं बदल गई हूं, मेरा इरादा बदल गया, मेरा दिल बदल गया, वक्त भी बदल गया, रब अब मैं तुझे भी बदल दूंगी। तुम बदलना कुदरत की फितरत है, जो आता है वो जाता भी है, जाएगा। ये दर्द, ये दुख, ये तड़प, ये आंसू, हे भगवान, बहुत रो लिया भैया, बहुत रो लिया। अब और नहीं भैया, अब और नहीं, वक्त आ गया है अंतिम यात्रा पे जाने का। राम नाम सत्य है। दे दिया होती, दे दी मुक्ति। ये क्या किया आपने अमरीश जी? ये क्या किया आपने? उसको मार दिया? तुझे भी मार दूं क्या? फेंक दूं तुझे नीचे? हाँ, दिमाग है कि नहीं? जिस नागमणि के लिए हमने इसे जिंदा रखा था, अब तो हमें पता लग ही गया है वो नागमणि है कहाँ। ये तो गया, अब
इसका बेटा जाएगा और वो नागमणि लेकर आएगा। अब ये बूढ़ा जिंदा रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो पहले से मर चुका है। इसका बेटा है युवराज जो हमारे पास है। अंकित जी, अंकित जी, मेरा बेटा ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक जाएगा और वो नागमणि लेकर आएगा। संग्राम सिंह की विरासत का आखिरी वारिस। युवराज, बहुत बढ़िया। अंदर से बंदूक की गोली और ऊपर से गोली गोली। हाँ बढ़िया। अब चले। चलो। बहुत भोला बनता था वो, बहुत अच्छा बनता है। देख ली उसकी अच्छाई शिवन्या, बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें उसपे। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने एक बार नहीं बार बार कहा तुमसे कि वो दुश्मन का बेटा है, दुश्मन का ही साथ देगा। देख लिया ना तुमने, देख लिया ना, हमारे इष्ट की धरोहर, हमारे देव की मणि, हमारे शिवजी की नागमणि लेने जा रहा है वो शिवन्या। अगर तुमने उसे नहीं रोका ना तो मैं उसे रोकूंगी। तुम प्यार की पुजारन हो तो मैं शिवजी की पुजारन हूं। वो नागमणि हमारे शिवजी की अमानत है और हमेशा रहेगी। मैं भी हमारे इष्ट, हमारे देवों के देव महादेव की भक्त हूँ और सदा रहूंगी। शिव से पहले और शिव के बाद मेरे लिए कोई शिवाला नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अगर मेरा पति वो नागमणि लेने के लिए जा रहा है तो उसे मैं रोकूंगी। शेषा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऋतिक ऐसा। लेकिन ऋतिक ने ऐसा किया है शिवन्या। ऋतिक को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, उसे रोकूंगी मैं। ऋतिक को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास शिवन्या, मार दो उसे। हाँ शिवन्या, हमें ऋतिक को मारना ही होगा। ना ऋतिक जिंदा रहेगा और ना ही नागमणि तक पहुंच पाएगा वो। नहीं शेषा, हम उसे मार नहीं। क्यों नहीं मार सकते शिवन्या? क्योंकि उसने तुम्हारी मांग भरी है इसलिए, या फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार भरा है इसलिए। क्योंकि वो मेरे माँ बाबा के 5 कातिलों में से एक नहीं है इसलिए, क्योंकि वो एक कातिल नहीं है इसलिए। लेकिन कातिलों के साथ है शिवन्या, कातिल का बेटा है वो, अंकुश रहेजा का बेटा है और वो नागमणि के बारे में सब कुछ जानता है। पर नागमणि को पाने के लिए उसने किसी को मारा नहीं है। रहने दो शिवन्या, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं ऋतिक को रोकूंगी। नहीं, तुम नहीं, उसे मैं रोकूंगी। पर उसे मार कर नहीं, मैं कोई और रास्ता निकालूंगी, उसके रास्ते में बाधाएं डालूंगी। अगर हमने ऋतिक को नहीं मारा ना शिवन्या, तो वो हमारे लिए बाधा बन जाएगा। नहीं शेषा, उसे मारना मत, उसे कुछ मत करना। देखो मेरी बात सुनो, एक निर्दोष की जान लेना पाप है और शिवजी की नागमणि लेना पाप नहीं है शिवन्या। मैं उसे अपने विष से, विष से नहीं, निद्रा विष से। हाँ शेषा, मैं उसे निद्रा विष दूंगी और वो 18 घंटों के लिए सो जाएगा। नागमणि लेने जा ही नहीं पाएगा। नागमणि लेने से ही रोकना है ना उसे, तो उसे मैं रोकूंगी निद्रा विष देकर। आज तक मैं डेढ़ हड्डी गिरता पड़ता रहा था, आज तुम कैसे गिर गई? कहीं मेरे प्यार में तो नहीं? मैं ऐसे गिर क्यों गई? आज ऋतिक मेरा नागिन रूप देख सकता था, आज एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता था। ये मुझे क्या हो रहा है?
ये अंगूठी ये तुम्हारे हाथ में कैसे हो गई ना सरप्राइज वीरेन भाई की है डैड ने दिया मुझे तो इस अंगूठी ने रोका है मुझे अब मैं ऋतिक को कैसे रोकूंगी कैसे दूंगी निद्रा विष शिवन ने अब उस नागिन का हर इरादा नाकाम वो मुझे छू भी नहीं सकती अगर छूने की कोशिश करेगी तो चल के राख हो जाएगी इतनी शक्ति है इस अंगूठी में अब तक उस नागिन को पता चल ही गया होगा कि मैं नागमणि लेने जा रहा हूं वो हमें रोकने की कोशिश करेगी और रोक नहीं पाएगी शिवन्या बस कुछ ही घंटे बाकी है फिर वो नागमणि मैं ले आऊंगा कल बहुत बड़ा दिन है शिवन्या कल नागमणि पाने का दिन है अब कैसे रोकेंगे इसे रोकना तो है चाहे जैसे रोके ऋतिक बेटा जल्दी चल वक्त रहते वहां पहुंचना है अगर वक्त निकल गया ना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा ऋतिक बेटा ऋतिक ये शिवजी का प्रिय भोग है मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है ये खीर पूजा की है तेरी रक्षा करने के लिए एक बड़े काम से जा रहा है तो बेटा मुंह मीठा करके जा माँ शिवजी का प्रसाद खिला रही हूँ तो शिवजी पे भरोसा भी करो वो शक्ति देंगे आपके बेटे को आज मैं उनकी नागमणि लेने जा रहा हूँ लेकर ही वापस आऊंगा हाँ युवराज जो काम इतने सालों से राजा होके तेरा बाप नहीं कर सका वो उसका राजा बेटा करेगा चलता हूं मैं जय भोलेनाथ वो अंगूठी मुझे ऋतिक को रोकने नहीं देगी शीशा को बुलाना होगा जल्दी जाना होगा शेषा, 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 शेषा वो लोग मणि लेने चले गए ऋतिक ने भी वो अंगूठी पहन ली मैं उसे रोक नहीं पाई हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा तुम यही रुको शिवन्या मैं रोकूंगी उन्हें मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ तुम रोकोगी शिवन्या ऋतिक को देखते ही तुम खुद रुक जाओगी और मुझे भी रोक लोगी उन्हें मणि लेने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी ना खुद रुकूंगी ना तुम्हें रोकूंगी चलो अब तो फिर चलो जय भोलेनाथ आज रात 12 बजे तक वो नागमणि तुम लोगों के हाथों में होगी सुभान अल्लाह आज रात को हाँ आज रात को एक हाथ से वो नागमणि मैं तुम लोगों को दूंगी और दूसरे हाथ से 800 करोड़ दूंगी बोलो क्या ये सौदा मंजूर है सौदा की है अभी तो इतने साल इंतजार की है पैसा मिल जाएगी आपको ऋतिक आज उठ अंगूठी की सारी शक्तियां तुम्हारे पास है पर हो तो तुम दुश्मन के ही बेटे तो मैं भी अपने माँ बाबा की बेटी हूँ आज तक उनकी चीख गूंजती है मेरे कानों में वो नागमणि शिव जी की अमानत है उसे तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगी चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े याद है ना वो काली पूजा के दिन उसने
कैसे कैसे पैतरे अपनाए थे हमें रोकने के, आज भी ये उसी का काम है। लेकिन तुम रुकना नहीं चाहते, रहो। डैड अगर ऐसी बात है तो मैं आज नहीं रुकने वाला। शिवन्या, ये तूफान इन्हें नहीं रोक सका। अब इन्हें रोकने के लिए कोई और बिजली गिरानी होगी, कोई और आफत लानी होगी। शेषन, नहीं, इसमें बहुत खतरा है। आगे वो लोग नहीं जा पाएंगे और आगे जाने भी नहीं दूंगी। डैड, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मैं देखता हूं। क्या कर रहा हूं? रुको, नागिन बाहर है, मार देगी। वो नहीं डैड, हमें उसका डर मार देगा। मैं उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। आप डरिए मत डैड, मैं देखता हूं। इतक, रुको। डैड, कुछ नहीं होगा, हमारे पास ये अंगूठियां हैं ना, वो नागिन हमें छू भी नहीं सकती। चलिए, आप डरिए मत। शिवन्या, वो लोग जा रहे, हमें इन्हें रोकना होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ऋतिक, ऋतिक बचाओ मुझे। डैडी, तो मॉम की आवाज है। मॉम, यहां मॉम। मॉम, ऋतिक, बचाओ ऋतिक। रुक जा, आगे बच जा। एक कदम भी आगे मत बढ़ा। ऋतिक बेटा, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। डैड, अभी क्या बोल रहे हैं? उस नागिन ने मॉम को पकड़ रखा है, हमें उसे बचाना होगा। डैड, वो तेरी माँ नहीं है, आगे बच जा। डैड, आप देख के भी ऐसा कैसा बोल सकते हैं? उस नागिन ने मॉम को देखो कैसे पकड़ रखा है। प्लीज डैड, चले, वो नागिन मॉम को मार देगी। मारते तो मार रहे थे। ये तेरी मॉम नहीं है, ये नागिन है। ये नागिन जो है हमारे अपनों का रूप धारण करके हमें छलती है। ऋतिक बचाओ बेटा। डैड, अगर ये सच में मॉम हुई तो हमें रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, तुझे देखना है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख, अगर ये तेरी मॉम हुई ना, जैसे ये अंगूठी मैंने पहनी हुई है ना, वैसी ही अंगूठी तेरी माँ ने अपने गले में चेन में पहनी हुई है। और अगर उन्होंने वो अंगूठी पहनी हुई है तो फिर वो नागिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर उनके पास अंगूठी नहीं है तो इसका मतलब वो नागिन है, तेरी मां नहीं है। चल, देखना है, आजा, आजा, आजा। हैकी जी, मुझे बचाइए। हैकी जी, ये नागिन मुझे मार देगी। हैकी जी, हाँ, बचा लूंगा, लेकिन पहले मुझे वो अंगूठी दिखाइए आपके गले के चेन में जो है। दिखाइए। नहीं है ना? ये दस। क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरी यामिनी नहीं, तू नागिन है। नागिन, दस, दे, दे, नहीं दस भाई जी,
नहीं डांस पाएगी। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, देखा? दो दो नागिन। गुरुमा ने बोला था, दो दो नागिन है। यही हम लोग को छल रहे। ए नागिन, आजा। जैसे कि नहीं, आना। नहीं डर सकती। आज मेरा बेटा मेरे साथ है। चल बेटा, हमें जाना है और नागमणि लाना है। अगर आज हम नागमणि नहीं ला पाए ना, तो फिर कभी नहीं ला पाएंगे। चल जल्दी, चल, जल्दी, चल, जल्दी। हे भोलेनाथ, वो दोनों बच्चियां आज उस सफर पर गई जिसकी मंजिल तू है, तेरी नागमणि। उनके सामने बाधाएं हैं, परीक्षाएं हैं, तुझे उनका कष्ट हरण करना है, उस मणि को गलत हाथों में जाने से रोकना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कैसा संकेत है शिवजी? शेषा और शिवन्या कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं? मुझे देखना होगा वो दोनों दुश्मनों को रोकने में कामयाब हुई या नहीं। ओम शिव शिव शिवाय नमः। 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 ओम शिव 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 शिवाय नमः। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, देखा? दो दो नागिन। गुरुमा ने बोला था, दो दो नागिन है। यही हम लोग को छल रही। अब तक वो दोनों, उन दोनों दुश्मनों को रोक नहीं पाई है। शिवजी को स्वयं आना होगा, कोई चमत्कार कर दिखाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए? बेटा, मैं अंदर नहीं जा सकता। वो नागमणि तुम ही ला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो निशान तुम्हारे पास है। पर डैड, मैं आप ही का बेटा हूँ। अगर मैं जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं जा सकते? वो बेटा, हमने तुमको बताया था ना कि हमारे खानदान का वारिस ही इस नागमणि को ला सकता है। क्या है कि पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो उस नागमणि को हम छू ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति तो है नहीं, ना ही वो निशान जो कि तुम्हारे पास है। ठीक है डैड, आप यहीं रुकिए, मैं नागमणि लेकर आता हूँ। हाँ, संभाल के। शेषा नाकाम हो गई, शिवन्या नाकाम हो गई। वो मणि तेरी अमानत है, तेरी कुदरत है, इस मंदिर की धरोहर है। गलत हाथों में न जाए वो मणि। आज परीक्षा है तेरी, तुझे खुद अपनी मणि को बचाना है, उस मणि को इस मंदिर में लाना है। तू ही लाएगा, कोई इच्छा सारी नहीं। तेरे नाग को आना होगा, वही बचाएगा तेरी नाग मणि। ओम नमः शिवाय। शाओ
तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं। तो ऋतिक नागमणि तक पहुंच गया। आज कातिल का बेटा ले जाएगा नागमणि। तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। अब सिर्फ वही आ सकते, वही बचा सकते, स्वयं शिव जी अब वही पार करेंगे, कोई चमत्कार करेंगे। नागमणि को सिर्फ सच्चे हाथों में जाना चाहिए। जय भोलेनाथ। आ गए वो, आ गए नागों के नाग। अब यही रोकेंगे ऋतिक को। देखना, ऋतिक नागमणि को छू भी नहीं पाएगा। शिवजी खुद आए हैं अपनी धरोहर की रक्षा करने। भुजंग पिंगल स्फुर बड़ा मणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिव्य धूप के मदांग सिंदूर स्फुर वगुप्तरीय मेदुरे मनोरम अद्भुत अद्भुत वर्तरे ऋतिक अभी तक नागमणि लेकर आया क्यों नहीं? ऋतिक बेटा तो आ गया, वो नागमणि। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं माँ,
ऐसे मत कहो, ये लो। आज आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। हाय मैं मर जाऊंगा, मरे मेरे दुश्मन, मरेगा तो तू भी। ये नागमणि मेरी अमानत है, मिल गई मुझे। अब तुझे मिलेगी वही मुक्ति जो तेरे बाप को दी थी, जो मौत उसे दी वही मौत तुझे दूंगी। युवराज तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। अब हम क्या करेंगे गुरुदेव? मैंने सुनी है उनकी बातें, वो अंकुश भेजा विदेशियों के साथ हमारे शिवजी की नागमणि का सौदा कर रहा था। वो लोग शिवजी की नागमणि बेच देंगे गुरुदेव। हम बेबस हैं शेषा, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। अब जो करना है वो ऊपर वाला ही कर सकता है। ये खून किसका है? गुरुदेव ये कपड़े, इन कपड़ों में मैंने पहले किसी को कहीं देखा है? पहले से नीचे लाना होगा। इसका चेहरा तो खून और मिट्टी से लथपथ है, लगता है इसको किसी ने बहुत बहरे में से मारा है। मैंने ये कपड़े पहने किसी को पहले देखा है, पर कहां? देवड़ी में, गुरुदेव उस देवड़ी में जो आदमी था उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, उसके चेहरे पर नकाब था। गुरुदेव मैं पानी लेकर आती हूँ। ये तो हूबहू ऋतिक का चेहरा जैसा है। ये निशान तो ठीक वैसा ही है जैसा ऋतिक की गर्दन पर है। और जो अंकुश रहीजा के शरीर पर नहीं है वो इस इंसान के शरीर पर है। इसका मतलब ये खानदानी निशान है। यही इंसान ऋतिक का खानदान है, यही इंसान ऋतिक के पिता है, ऋतिक के असली पिता।